वेलकम बैक टू पीएसजे इन्फोलॉग्स। और पीएसजे इन्फोलॉग्स में आपका दोस्त आपका भाई प्रसाद वापस एक बार सभी का स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बोट के 201 एयरडॉप्स के बारे में, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। दोस्तों आप इस एयरडॉप्स की प्राइस बोट की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो इसका प्राइस है 1599, यानी कि 1600 इसका प्राइस है। लेकिन अगर आप ये फ्लिपकार्ट से लोगे तो आपको ये 1399 यानी कि 1400 रुपये में पड़ेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सीधा सीधा फ्लिपकार्ट पे 200 रुपये का फ़र्क है। बोट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा ये 1600 रुपीज़ में, और आपको फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है ये 1400 रुपीज़ में। और अगर आप अमेज़ॉन पे जाओगे तो अमेज़ॉन पे भी आपको इसका प्राइस जो है वो कम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं कल अमेज़ॉन पे भी देख रहा था, अमेज़ॉन पे स्पेशल सेल चल रहा था, फ्रीडम सेल। लेकिन 5 से 9 तारीख का जो सेल है उसके ऊपर भी वहाँ पे अमेज़ॉन पे कुछ कम प्राइस नहीं है इसका। इसका प्राइस जो है वो वहाँ पे ज़्यादा ही है, 1800 रुपये के ऊपर था तकरीबन, और कभी कभी 2200 से 2400 रुपये तक भी इसका प्राइस रहता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, और साथ ही साथ में आपको इसके सारे फीचर्स बताता हूँ। इसका प्ले टाइम कितना है, इसकी बैटरी कितनी है, और ये आपके ईयर में कितने कंफर्टेबली फिट होता है, वो सब मैं आपको आगे इसके अनबॉक्सिंग में बताऊँगा। तो लेट्स कंटिन्यू। सो गाइज़ ये जो है वो मैंने ब्लू कलर में मंगाया है। इसमें 3-4 कलर वेरिएंट्स आते हैं, एक्चुअली इसमें 4 से 5 कलर वेरिएंट है, 3-4 भी नहीं। अभी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बता देता हूँ। तो ये जो है वो मेरा ब्लू कलर वाला कलर वेरिएंट है, आप देख रहे हो प्रॉपरली पैक्ड है, ठीक है। इसको जस्ट इस प्लास्टिक बैग से बाहर निकाल दे। ये जो है वो फ्लिपकार्ट का इनवॉइस आया है, आप यहाँ पे इनवॉइस पे भी देखोगे, मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। देखिए एक यूनिट है और 1399 टोटल है इसका, तो मेरे को ये 1400 में पड़ा है। आप अभी भी बोट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो आपको ये 1599 में मिलेगा, बोट एयरडॉप्स 201। सो गाइज अभी चलिए देखते हैं इस बॉक्स पे क्या क्या फीचर्स दिए हैं इस एयरडॉप्स के। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि ब्लूटूथ 5.0 है इसमें, तो आपको जो है वो ये कनेक्टिविटी बेहतर देता है ब्लूटूथ 4 से ज़्यादा। तो आपको इसमें कनेक्शन इंटरप्शन का वगैरह प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा कम आएगा। आप नीचे रिव्यूज़ वगैरह भी देखोगे लेते वक्त लोगों के फ्लिपकार्ट पे, तो आपको वहाँ पे अच्छे रिव्यूज़ दिखेंगे कनेक्टिविटी को लेके। किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है रिव्यू में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो है वो कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है खरीदते वक्त, कभी कभी कुछ चीज़ में फॉल्ट भी रहता है बाद में। इसका सेकेंड फीचर है डायनामिक 10mm ड्राइवर्स है इसमें, ठीक है, और IPX स्प्लैश एंड वाटर रेजिस्टेंट दिए, तो आप पानी में भी इसको थोड़ा बहुत यूज़ करोगे तो इशू नहीं होगा। तो ये वाटर रेजिस्टेंट भी दिया गया है, और इसमें SF चार्जिंग टेक्नोलॉजी है जो कि आप 5 मिनट में चार्ज करोगे तो आपको ये 60 मिनट तक का प्लेबैक देगा। 5 मिनट में ये फास्ट चार्ज होके 1 घंटे तक चलता है, और इसको टोटली चार्ज करने के बाद 3.5 आवर नॉन स्टॉप प्लेबैक देता है ये म्यूज़िक का। अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो ये 14 से 15 आवर तक आपको म्यूज़िक और आप कॉल वगैरह इस पर अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो बॉक्स पे बोट का स्टिकर है सील, जिसको हम लोग अभी ब्रेक करेंगे। तो ये पूरा पेटी बैग पीस आया है, ऐसा नहीं कि फ्लिपकार्ट पे जो है वो प्राइस कम है और कम प्राइस में इन्होंने कुछ भी मतलब यूज़ प्रोडक्ट वगैरह दिया है, वैसा नहीं है। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे बहुत सारे रिटेलर और होलसेलर जो है वो रजिस्टर होते हैं, तो ये काफ़ी बल्क में जो है वो स्टॉक उठाते हैं, और ये जो बल्क में स्टॉक उठाते हैं उनको थोड़ा सा जो है वो ये प्रोडक्ट्स पे सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स अनबॉक्स इट। आप देख रहे हो यहाँ पे कान पे भी फिट होने के लिए एक अच्छा सा ऊपर रबर दिया है, तो ये कान में भी इजीली फिट हो जाते हैं। और यहाँ पे और भी 2 फीचर्स दिए दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया। इसमें दोस्तों और एक फीचर है इन ईयर बिल्ट माइक विद सिक्योर फिट ईयर हुक्स, तो ये जो है वो ईयर हुक्स आपके कान में अच्छे से फिट हो जाते हैं, और माइक वगैरह आप अच्छे से इस पर बात कर सकते हो, और इसमें गूगल का भी वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट वगैरह है। तो आपको हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ोन लेके ही कॉल उठाना है, आप इस ईयर डॉप्स पे भी कॉल उठा सकते हो। फिर मल्टीफंक्शन बटन कंट्रोल है, जो कि आप वॉइस वगैरह जो है वॉइस कॉल उठा सकते हो, साउंड को नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो इजीली। तो चलिए इसको अभी ओपन करके देखते हैं कि बॉक्स में अभी क्या है। सबसे पहले जो है वो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे मैनुअल सेटअप है, ठीक है। बोट का यहाँ पे एक जो है वो पुस्तक दिया है इन्होंने, यह आप पढ़ सकते हो, जिसको पढ़ने के लिए कंटाल आता है वो साइड में रख के सीधा यहाँ पे जंप कर सकता है। तो ये जो है वो मेरा ईयरडॉप्स का केस है, देख रहे हो काफ़ी कॉम्पैक्ट है एकदम छोटा सा, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ साइड में। और यहाँ पे इसके अंदर क्या है, ये एक जो है वो चार्जिंग केबल है, और चार्जिंग केबल भी कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
सो गाइस बॉक्स के अंदर से हमें एक मिलता है यूएसबी जो कि टाइप सी यूएसबी नहीं है, ये जो है वो नॉर्मल यूएसबी है, टाइप बी यूएसबी है ये शायद। ठीक है, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और ये जो है वो ईयर डोब्स के एडिशनल जो रबर आते हैं वो है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको निकाल के बताता हूँ। इस तरह से मैंने जो ईयर डोब्स के एडिशनल रबर्स जो है वो स्मॉल मीडियम साइज़ के वो मैंने यहाँ पे बाहर निकाले हैं। इसके साथ ये भी जो है जो हैंगिंग हुक आता है ईयर पे वो भी रबर का आता है, आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये और मीडियम और स्मॉल साइज़ के ईयरबड्स के हुक्स वगैरह है, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एक्चुअल में हमारे जो ईयर डोब्स है वो इसके अंदर है, तो ये मैं अभी ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो इस तरह से गाइज ये जो है वो ओपन होता है और इसके अंदर ऐसे ईयर डोब्स है जो कि मैंने ब्लू कलर के मंगाए हैं। यहाँ पे लेफ्ट वाला है और यहाँ पे जो है वो राइट वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप चार्जिंग करोगे तो यहाँ पे चार्जिंग लाइट्स वगैरह आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है वो मेरे को 1399 यानी कि 1400 रुपीज़ में पड़ा है और काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में पड़ा है। तो इतने रेट में ये आता ही नहीं है, आप कहीं पर भी जाके देखोगे तो आपको इसका प्राइस जो है वो ज़्यादा ही मिलेगा एज़ कम्पेयर विथ फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों और भी कुछ चीज़ें दिखाने चाहूँगा मैं आपको कि इसके साथ वारंटी कार्ड वगैरह भी आता है। यहाँ पे जो है वो बोट का 1 ईयर वारंटी कार्ड है, तो ये वारंटी कार्ड जो है वो आपको संभाल के रखना है जो भी है वो। और बाकी जो है ये भी सब यूज़र मैनुअल्स वगैरह है। तो इस तरह से अभी मैं इसको आगे सुनूंगा और सुन के मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ कि ये कितने अच्छी तरह से साउंड प्रोवाइड करता है, इसका साउंड क्वालिटी कितना अच्छा है। मैं आपको देना चाहूँगा इस ईयर पॉड का जो है सॉन्ग का रिव्यू, जो मैंने इसका म्यूज़िक टेस्ट किया है दोपहर से लेके अभी तक मैं म्यूज़िक सुन रहा था। तो गाइज इसका काफ़ी अच्छा म्यूज़िक क्वालिटी है और मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ कि आप ये जो ईयरपॉड्स है वो कान में भी इजीली फिट होते हैं, उसका तो मज़ा लेंगे ही। और साथ ही साथ में कॉलिंग के लिए भी इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है और मैं आपको बताऊँगा कि 8 से 10 फीट के आगे आप जाओगे तो इसका जो है वो वॉइस थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। तो ये है इसका कॉलिंग का रिव्यू। और दूसरी बात है अभी साउंड का, साउंड में आपको गारंटी देके कहता हूँ दोस्तों कि आप इसका वॉल्यूम 60 से 70% के आगे सुन नहीं पाओगे जो भी ज़्यादा बास वाले साउंड है वो, क्योंकि एक्सट्रीम इसमें बास है और अच्छा साउंड क्वालिटी है। तो अगर साउंड क्वालिटी को मैं इसको ना मतलब 5 में से 4.5 या 4 रेटिंग दूंगा, ठीक है। मैं इसको 5 रेटिंग क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे जो जाबरा JBL के बहुत महंगे ईयरपॉड्स आते हैं उसकी बराबरी नहीं करेगा, लेकिन ये 1400 रुपीज़ में बहुत ही अच्छा ईयरपॉड्स है। तो मेरे जो है वो पूरे पैसे वसूल हो चुके हैं और आप भी ये खरीद सकते हो, मैं आपको ये डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये खरीदने के बाद आके पॉजिटिव रिप्लाई दोगे ही दोगे। बाकी किसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट वाला प्रोडक्ट रिसीव होता है, किसको अगर इशू आता है ये ईयरडॉप्स में, तो अलग बात है, उसका नेगेटिव कमेंट आ सकता है, लेकिन मेरी तरफ से मैं आपको बोलूंगा कि ये काफी अच्छे ईयर डॉप्स। सो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो पीछे मैंने यहाँ पे चार्जिंग वायर जो है वो अटैच कर दिया है और आगे जो है वो अभी लाइट से वो जलना स्टार्ट हो जाएंगी जैसे जैसे मेरा चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैं कर दे रहा हूँ प्लग को ऑन और यहाँ पे आप देखोगे चार्जिंग लाइट्स ऑन हो गई है और ये चार्जिंग बता रहा है यहाँ पे फिलहाल एक पॉइंट पे है लाइट। तो ऐसे यहाँ पे और 4 से 5 लाइट है, तो जैसे जैसे इसका चार्जिंग फुल होएगा वैसे ही यहाँ पे बताना चालू करेगा कि आपका चार्जिंग फुल होते जा रहा है। तो इस तरह से जो है दोस्तों वो बोट के जो ईयर डॉप्स है 201, ये दिखने के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं और जब भी आप बाइक या कार जो भी राइड करते हो तो आपके हेलमेट में भी अच्छे से फिट हो जाते हैं और आपको कान पे ऊपर फिट होने के लिए ये जो इसका ग्रिपिंग है वो काफ़ी हेल्प करता है। ये जो यहाँ पे ग्रिपिंग दिख रहा है इसका जो एक्स्ट्रा रबर दिए इन्होंने जो कि आपके कान में अटक जाते हैं वो काफ़ी मुझे अच्छा इसमें फीचर लगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये बोट ईयरडॉप्स 201 का अनबॉक्सिंग प्राइस और रिव्यू वाला वीडियो अच्छा लगा रहेगा। आपको इसमें कुछ क्वेश्चन है क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अनबॉक्सिंग वीडियोज बाइक रिलेटेड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज के लेके मैं चैनल पे आपके साथ जुड़ते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।